आज का विषय है दोस्तों, कला और नैतिकता। बहुत सारे विद्यार्थियों ने मुझसे बहुत ही रिक्वेस्ट किया था कि कला और नैतिकता, आर्ट एंड मोरालिटी के ऊपर मैं एक लेक्चर हूँ। तो आज का मूल विषय कला और नैतिकता। तो विद्यार्थी लोग तैयार रहें अपने नोट्स बनाने के लिए। कला और नैतिकता का संबंध जटिल और बहुआयामी है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स संबंध है। कलाकारों को सदैव से ही अपनी रचनाओं में नैतिक मूल्यों को दर्शाने और समाज को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी का दबाव झेलना पड़ता है या उन्हें दायित्व ग्रहण करना पड़ता है। कला का नैतिक दायित्व क्या है? कलाकारों का मानना है कि कला सामाजिक परिवर्तन लाने का एक शक्तिशाली माध्यम है। कला के माध्यम से वे सामाजिक मुद्दों, अन्याय और भ्रष्टाचार पर प्रकाश डाल सकते हैं, उसे उद्घाटित कर सकते हैं। कला के माध्यम से समाज में हो रही जितने भी प्रकार के बुराई के तत्व हैं, बुराई की घटनाएं हैं, उनसे वह दर्शकों को, समाज के लोगों को जागरूकता के दृष्टि से अपनी कला के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकते हैं, ताकि उनके भीतर जागरूकता आए। जैसे आज स्त्री सशक्तिकरण के ऊपर बात चल रही है, तो स्त्रियों की अंदर में स्वावलंबन की भावना कैसे हो, इस प्रकार के निर्देश अपरोक्ष रूप से अभिव्यक्ति में, कला में वो होते हैं, जिससे स्त्रियां प्रेरित होती हैं। एक कविता है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, यह खुद में ही एक प्रेरक कथा है। कला नैतिक मूल्यों को बढ़ावा दे सकती है, जैसे कि सच्चाई, समानता और न्याय। कला और नैतिकता के बीच जो भेद है, उसको भी हमें जानने की जरूरत है। कलाकारों को अक्सर नैतिकता की सीमाओं को पार करने और वर्जित विषयों को छूने के लिए आलोचना का सामना भी करना पड़ता है। हमारे चित्र सूत्र में भी श्लोक हैं जिसमें बताए गए हैं कि कैसे चित्र अच्छे हैं, कैसे चित्र बुरे हैं। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत में एक कथा आती है, जिसमें दुर्योधन के सामने जब भगवान श्री कृष्ण संधि प्रस्ताव लेकर जाते हैं, तब दुर्योधन द्रौपदी के साथ जो बर्ताव किया था उसने, उसका जो चित्रांकन उसने अपने चित्रकार से करवाया था, द्रौपदी के चीरहरण का चित्र अपने चित्रकार से बुलवा करके पूछता है, तो द्रौपदी की अपमानजनक प्रसंग का चित्र होने के कारण वह चित्र प्रशंसनीय नहीं था, फिर भी दुर्योधन उसे लेकर कृष्ण के सामने कहते हैं, यह बहुत ही सुंदर चित्र है, कितना बढ़िया चित्रकार ने बनाया है, इसके रंग योजना कितनी अच्छी है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चूंकि चित्र का विषय प्रासंगिक नहीं है, प्रशंसनीय नहीं है, समाज में प्रतिष्ठा के योग्य नहीं है, अतः यह चित्र कदापि सुंदर नहीं हो सकता। इस प्रकार चित्रकार को अप्रशंसनीय चित्र, अनैतिक चित्र बनाने के कारण आलोचना का शिकार होना पड़ा। आधुनिक कलाकार की बात करें तो भारत में एनएफ हुसैन रहे, उन्होंने भी नैतिकता की सीमा को पार कर वर्जित विषयों को चित्र में अंकित किया, जिसके कारण उन्हें देश से निकाला गया। तो कुछ कलाकृतियां हिंसा, अश्लीलता या अन्य अवांछित विषयों को भी दर्शा सकती है, जैसे युद्ध के दृश्य हो। अब हमारे वीर उचित राजस्थान के योद्धाओं ने इतने युद्ध किए, तो उन युद्ध के चित्रों में निश्चित है कि हिंसा का दृश्य दिखेगा। माता महिषासुर मर्दिनी के तस्वीर को भी आप देखें, उसमें भी हिंसा का पुट दिखता है, क्योंकि वो विजय गाथा की तस्वीर है, बुराई शक्तियों पर, बुरी शक्तियों पर अच्छी शक्तियों के विजय का प्रतीक है, इसलिए वैसे चित्रों में हिंसा सामाजिक रूप से स्वीकृत है, वैसे चित्र दिखाए जा सकते हैं, क्योंकि वो प्रेरक होते हैं। कलाकारों को अपनी रचनात्मक अभिव्यक्ति
और जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाना होता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, यहाँ तक कि विलासिता की वस्तुओं को भी विचारों और आदर्शों के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है, ताकि वे यथासंभव विचार जीवन को प्रतिबिंबित कर सकें, वैचारिक जीवन को प्रतिबिंबित कर सकें, और यही कला है। कला और नैतिकता के बीच संबंध को समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। कलाकारों को अपनी रचनाओं में नैतिक मूल्यों को शामिल करने के लिए यद्यपि बाध्य नहीं किया जा सकता, किंतु समाज को सुव्यवस्थित और सुसंस्कृत संपन्न बनाने में कलाकारों की रचना धर्मिता मुख्य भूमिका निर्वाह करती है। अतः कलाकार सचेत होकर अपनी कलाकृतियों की रचना करता है। कला का उद्देश्य केवल मनोरंजन या सौंदर्य बोध नहीं है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन लाना भी है। कलाकारों को अपनी रचनाओं के लिए जवाबदेह होना चाहिए और यह सुनिश्चित भी करना चाहिए कि वे समाज को अपनी कृतियों के माध्यम से या विचारों के माध्यम से नुकसान ना पहुंचाएं। वैदेशिक चिंतक मैथ्यू अर्नाल्ड का मानना था कि कला का उद्देश्य जीवन को उचित रूप से देखना है। कलाकारों को अपनी रचनाओं में नैतिक मूल्यों को शामिल करना चाहिए और समाज को बेहतर बनाने में योगदान देना चाहिए। इसी प्रकार बेंजामिन क्रोचे का मानना था कि कला और नैतिकता स्वतंत्र क्षेत्र है। कला का उद्देश्य सौंदर्य बोध पैदा करना है, जबकि नैतिकता का उद्देश्य अच्छा जीवन बनाना है, अच्छा जीवन जीना है। अर्थात अच्छे जीवन की में कला का अच्छे जीवन में कला की उपयोगिता मुख्य स्थान रखती है। सामाजिक चिंतक लियो टॉल्स्टॉय का मानना था कि कला का उद्देश्य लोगों को नैतिक शिक्षा देना है। कलाकारों को अपनी रचनाओं का उपयोग सामाजिक बुराइयों को उजागर करने और लोगों को बेहतर इंसान बनाने के लिए प्रेरित करने के लिए करना चाहिए। निष्कर्षता हम कह सकते हैं कि कला और नैतिकता का संबंध अन्योन्याश्रय है और इसका उद्देश्य समाज का उन्नयन है, समाज का पतन नहीं। कलाकारों को अपनी रचनात्मक अभिव्यक्ति और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाना होता है। और कला केवल मनोरंजन के लिए नहीं बनाई जाती या अभिव्यक्त नहीं की जाती, यह केवल सौंदर्य बोध नहीं है, बल्कि इसमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समाज को बेहतर बनाने के लिए, एक परिवर्तन करने के लिए अभिव्यक्ति की दिशा निर्धारित करनी होती है। कलाकारों को अपनी रचनाओं के लिए भी जवाबदेह होना पड़ता है और सुनिश्चित करना पड़ता है कि हमारी कृतियों से, हमारी अभिव्यक्ति से समाज का पतन ना हो। उम्मीद करता हूँ यह लेक्चर आपको पसंद आएगी और आपके पाठ्यक्रम में भी उपयोगी होगी। तो बने रहिए हमारे साथ एक ऑथेंटिक लेक्चर के लिए। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक करें और शेयर करें।